अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और साथ में ये भी उम्मीद है कि आप लोगों का जो नीट 2023 के लिए प्रिपरेशन है लगभग 90% के आसपास ख़त्म हो गया है। तो बेटा, अभी तक जो हमारा फेज़ था, आप सबको पता है कि ये फेज़ प्रिपरेटरी फेज़ था, हम अपने आप को नीट के लिए तैयार कर रहे थे। लेकिन अब जो ये 2 महीने हमारे पास है, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी प्रिपरेशंस को स्ट्रॉन्ग करें, सॉलिडिफाई करें और अपनी कमियों को पहले ही जो है दूर करें। तो इस सिलसिले में बेटा, मिशन ई ने आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज डिज़ाइन किया है जो कि ऑल इंडिया होगा, मतलब नेशनल लेवल पे होगा। कहने का मतलब ये है कि आप अपना जो स्कोर है नेशनल लेवल पे, जो बच्चे दे रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, उनके साथ अपना स्कोर, अपना रैंक कंपेयर कर सकते हैं। तो बेटा, हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है इसका नाम है मिशन ई AITS ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़। इसमें हमने जो अपना टेस्ट सीरीज़ है इसके 2 पार्ट्स किए हैं। टेस्ट सीरीज़ वन उन बच्चों के लिए है जो पोर्शन वाइज भी टेस्ट देना चाहते हैं और फुल सिलेबस भी टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं। तो बेटा, इसमें जो आपके पोर्शन वाइज टेस्ट है या पार्ट टेस्ट जो है वो 10 है, 10 पार्ट टेस्ट हम लेंगे। पार्ट टेस्ट से क्या होता है, आप सबको पता है कि इससे आपको पोर्शन वाइज पता चलता है कि हमारी कमजोरी कहां पर है, कौन सी चीजें हमें भूल गई हैं, कहां हमें ज्यादा रिविजन की जरूरत है, कहां हमें और एग्जर्ट करने की जरूरत है। और फिर आता है हमारा फुल सिलेबस टेस्ट जो कि 7 इन नंबर है। फुल सिलेबस टेस्ट हम क्यों देते हैं, आप सबको पता है, इससे जो फुल सिलेबस टेस्ट है इससे हमारा टाइम मैनेजमेंट स्ट्रांग होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 180 तक कैसे पहुंचना है, बायोलॉजी में कितना टाइम देना है, फिजिक्स में कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री में कितना टाइम देना है और सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है, द फुल सिलेबस टेस्ट विल टीच अस दीज स्किल्स। तो बेटा, इसमें जैसे मैं अभी कह रहा था, आप अपना जो रैंक है वो AIR लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे कंपेयर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज फर्स्ट जो है इसका डेट ऑफ कमेंसमेंट या स्टार्ट बिगिनिंग 10th of March से होगा। तो 10th of March से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, बेटा ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। बेटा, स्टार्ट रजिस्टरिंग योरसेल्फ विद मिशन ई विद द कॉन्टैक्ट नंबर्स विच आई विल प्रोवाइड लेटर ऑन। दूसरा है हमारा टेस्ट सीरीज सेकेंड। टेस्ट सीरीज सेकेंड उन बच्चों के लिए है जो पार्ट टेस्ट नहीं देना चाहते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अपनी वीकनेसेस को पोर्शन वाइज दूर किया है, वो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स एनहेंस करना चाहते हैं। उनके लिए बेटा जो फुल सिलेबस टेस्ट है वो 13 इन नंबर होंगे और अगेन आप अपना जो रैंक है वो ऑल इंडिया लेवल पे कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसका जो डेट ऑफ स्टार्ट होगा वो 5th of March से होगा और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बेटा ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स है ऑल ओवर इंडिया, दे आर अप्रोक्सीमेटली 38,000। बेटा जी, अगली बात है कॉन्टैक्ट्स। अगर आपको इन टेस्ट सीरीज के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इन दिए गए नंबर्स पे फोन कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, या बेस्ट रहेगा अगर आप हमारे कैंपस विजिट करेंगे। तो वन मोर इंफॉर्मेशन इज दैट द टेस्ट सीरीज विच वी आर गोइंग टू कंडक्ट विल बी इन ऑफलाइन मोड, ताकि आप लोगों को स्टार्टिंग से ही एग्जामिनेशन एटमॉस्फेयर जो एग्जामिनेशन हॉल में होता है, एग्जामिनेशन हॉल के लिए आप तैयार रहो, ताकि आप लोगों को पहले से ही ये चीजें एक्सपीरियंस हो कि एग्जामिनेशन हॉल का एटमॉस्फेयर का प्रेशर वगैरह वगैरह कैसा होता है। तो बेटे, रही बात फीस की, तो फीस आप घबराइए नहीं, फीस बहुत ही कम है। सिर्फ जो हमारे प्रिंटिंग चार्जेस वगैरह हैं वो इंक्लूड किए गए हैं ताकि फाइनेंशियली आप पे बर्डन ना रहे। तो बेटा, फीस का मुझे लगता है कि कोई उतना बड़ा इशू नहीं है, एक छोटी सी फीस है प्रिंटिंग चार्जेस जिसमें इंक्लूड किए गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम ये बोलेंगे कि फ्री है बाद में 80,000 लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही छोटी सी फीस है, वो आई थिंक आप एफर्ड कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।